सुरभि शर्मा शुरुआत कर रहे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भोपाल रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर फुटओवर ब्रिज की सीढ़ी गिर गई है। सीढ़ी के मलबे में दबकर कई यात्रियों के घायल होने की खबर है और फिलहाल जानकारी ये मिल पा रही है कि सुबह 9 बजे के करीब ये हादसा हुआ है और हादसे के बाद की तस्वीर भी आपके सामने। देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल रहा और इस हादसे के बाद आम लोग जो प्लेटफॉर्म पर थे वो घायलों की मदद करते हुए नजर आए। एक महिला देखिए जो प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी और अचानक हुए हादसे में वो जख्मी हो गई, जिसके बाद जो लोग प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, जो यात्री थे, वो किसी तरह से लोगों को उठाकर अस्पताल तक ले जाने की जद्दोजहद करते नजर आए। ये वो हिस्सा है, देखिए फुटओवर ब्रिज का ये वो हिस्सा है जो गिर गया और सीढ़ियों के मलबे में दबकर फिलहाल कई लोगों के दबे होने, घायल होने की भी खबर मिल रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ये तस्वीर देख रहे हैं जहां सुबह 9 बजे हादसा हुआ है। अनुराग अमिताभ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त स्थिति वहां पर क्या है? देखिए हालात अभी जो है वो बेहतर नहीं है। दरअसल ये जो पुल बताया जा रहा है तकरीबन 50 साल पहले का ये प्लेटफॉर्म था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ये हादसा हुआ है। उसकी जो सीढ़ियां हैं अभी गिरी हुई बताई जा रही हैं, जिसके कारण तकरीबन 15 से 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ पर पहुँचा हुआ है। 11 AM से हमारी बात करने की लगातार कोशिश जारी है पर राहत कार्यों में जुटे हैं, इसलिए अभी हालात क्या है नहीं कहा जा सकता है। और फिर भी काफ़ी बड़ा हादसा है। तकरीबन 50 साल पुराना ये प्लेटफॉर्म कहा जाता था, जिसकी अभी प्रारंभिक सूचना के मुताबिक सीढ़ियां गिरी हैं। अपने आप में एक बड़ा हादसा होते दिख रहा है। 15 से 20 लोग घायल हैं और सिर्फ 45 मिनट पहले ये हादसा हुआ है। ऐसे में ये देखने की जरूरत है, काफी पुराना पुल था। बताया जा रहा है कि रंग रोगन करके इसे दुरुस्त किया गया था। पुराना पुल होने के चलते गिरा है और इस तरीके की बात भी आ रही है कि प्लेटफॉर्म पे चलते हुए भी लोग गिरे हैं सीढ़ियां टूटी होने के अलावा। तो अपने आप में बड़ी घटना है और तमाम प्रशासनिक अमला वहां पहुंच रहा है और जो घायल हैं उन्हें हमीदिया अस्पताल जो है वहां पर भेजा गया है और आगे जो है प्रशासन अपनी पूरी कार्रवाई बचाव कर रहा है। हालांकि जो तस्वीरें हमारे सामने उसमें हम देख रहे हैं कैसे अफरा तफरी का माहौल रहा और लोग ही किसी तरह से घायलों की मदद करते नजर आए। देखिए जैसे ही हादसा हुआ दरअसल लोग ट्रेन से जाने के लिए तैयार थे, एकदम से ये बताया जा रहा है सीढ़ियां गिरी हैं और जिसके बाद लगातार एक के बाद एक ऊपर लोग गिरते गए। अफरा तफरी का माहौल हुआ और उसके बाद ये कहा जाए तो प्रशासन तब तक आया, रेलवे पुलिस फोर्स आई और काफी बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि ट्रेन उस वक्त आसपास नहीं थी। लेकिन फिर भी माना जा सकता है कि मामला बड़ा है और घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। प्रशासन नजर बनाए रखे, हम आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तस्वीरें भी आपके सामने सीढ़ियों के मलबे में दबकर किस तरह से 15 से 20 यात्रियों के घायल होने की ये तस्वीरें भी सामने आई है और फिलहाल मौके पर पहुंची टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति हटाने को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। मूर्ति हटाए जाने के खिलाफ लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और अब बीजेपी ने भी कमलनाथ सरकार पर हमला बोल दिया है। साथ ही सांबित पात्रा ने शिवसेना पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता मेजर सुरेंद्र पुनिया ने पूछा है कि क्या एमपी सरकार राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की मूर्ति के साथ भी ऐसा ही करेगी। इसके अलावा सांबित पात्रा ने भी निशाना साधा। दरअसल छिंदवाड़ा के मोहगांव तिराहे से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को जेसीबी मशीन से हटा दिया गया और इसी के बाद तनाव शुरू हो गया। शिवसेना समेत हिंदूवादी संगठनों ने रास्ते को जाम कर दिया, नगर पालिका को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद अब नगर पालिका की तरफ से शिवाजी की मूर्ति के लिए नई जगह तलाशी जा रही है। वहीं छिंदवाड़ा के एडीएम राजेश शाही का कहना है कि बिना किसी अनुमति के मूर्ति को सरकारी जमीन पर रखा गया था, इसलिए उसे तुरंत हटा दिया गया। बता दीजिए निकाल रहे हैं। सर बता दीजिए निकाल रहे घर, बता दीजिए निकाल रहे घर। सर 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 निकाल रहे, निकाल निकाल रहे, निकाल रहे सर। एसडीएम सर निकाल निकाल रहे। तो एक तरफ जहां शिवसैनिकों और हिंदूवादी संगठनों का ये प्रदर्शन चल रहा है, वहीं इस पूरे मामले पर सामने आने के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी सुरेंद्र पुनिया ने शिवाजी की मूर्ति हटाए जाने को लेकर ट्विटर पर लिखा है, एमपी की कांग्रेस सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज, जो पूरे राष्ट्र के गौरव हैं, उनकी प्रतिमा को छिंदवाड़ा में गिरा दिया। क्या कमलनाथ जी कभी नेहरू जी, इंदिरा जी या राजीव जी की मूर्ति को भी इसी तरह गिराएंगे? नहीं तो फिर शिवाजी की क्यों? उद्धव जी आप कांग्रेस को कुछ कहोगे? इसके अलावा बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी एमपी सरकार के बहाने शिवसेना पर वार किया है। उन्होंने लिखा, अब देखना है कि शिवसेना के लिए राजमाता अधिक महत्वपूर्ण है या शिवाजी महाराज।
मध्य प्रदेश में शिवाजी पर घमासान मचा हुआ है।